हेलो दोस्तों, आई होप आप सब मज़े में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2016 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है द फिफ्थ वेव। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम केसी नाम की लड़की को जंगल में गन लेकर भागते हुए देखते हैं। आगे जाकर उसे एक शॉप दिखाई देती है जिसके अंदर जाकर वो कुछ जरूरत का सामान अपने बैग में रखने लगती है। तभी उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे मदद की गुहार लगा रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर केसी थोड़ी डर जाती है और धीरे धीरे गन लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वहां जाकर वो गेट खोलती है लेकिन वो आदमी उस पर गन तान देता है। उसे बोलता है कि गन नीचे फेंको। इस पर केसी उसे बोलती है कि पहले तुम फेंको वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगी। इस पर वो आदमी केसी की बात मान लेता है, अपनी गन को नीचे रख देता है। लेकिन केसी उसे अपना दूसरा हाथ भी अंदर से बाहर निकालने के लिए बोलती है। तभी वो आदमी अपना दूसरा हाथ निकालने लगता है लेकिन डर के कारण उस आदमी पर केसी गन चला देती है। उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है और फिर इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है जहां हम केसी को देखते हैं जो कि स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस कर रही थी। वहां उसे बेन नाम का लड़का दिखाई देता है जिसे वो पसंद करने लगी थी और तभी उन लोगों को पता चलता है कि शहर में कुछ अजीब से घट रहा है। इसके बाद हम केसी की फैमिली को देखते हैं जो कि यहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहे थे। अगले दिन केसी अपने स्कूल में बैठकर अपना मोबाइल चला रही थी तभी अचानक से वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है और उसके साथ ही साथ उसका मोबाइल भी ऑफ हो जाता है। केसी ये सब कुछ समझ पाती इससे पहले अचानक से बाहर में कुछ घटनाएं होने लगती है और सभी गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगती है और वो देखती है कि एक प्लेन भी नीचे आकर क्रैश हो जाता है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। दरअसल वो लोग एलियन होते हैं जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं जो कि इंसानों के दिमाग पर कंट्रोल करके इंसानों को खत्म करना चाहते थे और इस दुनिया से इंसानों को नामो निशान मिटा देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की सहायता से पूरी की पूरी बिजली गुल कर दी थी। अगले सीन में हम कैसे उसके भाई सैम को देखते हैं जो कि नदी से पानी ले रहे थे। तभी वहाँ पे भूकंप के झटके लगने लगते हैं जिसके कारण वहाँ के पेड़ गिरने लगते हैं और वहाँ से भाग कर किसी सेफ जगह में पहुँचते हैं। कुछ देर बाद सैम कैसे से बोलता है कि मैंने कुछ आवाजें सुनी। वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले वो दोनों देखते हैं कि उनकी तरफ एक सुनामी आ रही है। देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। केसी समझ जाती है कि वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे इसलिए वो दोनों एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सुनामी खत्म होने तक वहीं पर बैठे रहते हैं और धीरे धीरे वो सुनामी पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेती है जिससे कि लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद किसी तरह सुनामी खत्म होती है और उसके बाद उस शहर में एक वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से काफी लोगों की मौत हो जाती है जिसमें केसी की मॉम की मौत हो जाती है। अगले सीन में हम सैम और उसके डैड को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रहे थे। तभी केसी अपने डैड से बोलती है कि वो आखिर चाहते क्या हैं? सबको खत्म क्यों नहीं कर देते हैं? इस पर उसके डैड बोलते हैं कि अब तक तो वो लोग ठीक हैं और उन्होंने हमारी धरती को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाया है क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग इस दुनिया को चाहते हैं और इस दुनिया में इंसान को नहीं। शायद इसीलिए वो लोग इस दुनिया के सारे इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद वो लोग रिफ्यूजी कैंप की तरफ चल देते हैं। शाम होते होते वो लोग रिफ्यूजी कैंप पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद कैसी के डैड उसे साइड में ले जाकर उसे अपने गन देते हैं। उसे बोलते हैं कि तुम इसे हमेशा अपने ही साथ रखोगी और ये बात किसी को नहीं बताओगी। तुम इसे तभी इस्तेमाल करोगे जब तुम्हारी जान को खतरा होगा। अगले दिन एयरफोर्स से कुछ जवान वहां पर आते हैं जहां पर एक आदमी जिसका नाम कर्नल वॉच होता है वो इन सभी लोगों से बोलता है कि हम लोग फोर्स आए हैं आपकी मदद करने के लिए। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बच्चों और बूढ़ों को अलग अलग करके गाड़ी में बिठा कर वहाँ से किसी दूसरी जगह में शिफ्ट करने लगते हैं। कैसी और सैम बस में बैठे होते हैं तभी सैम जीत करते हुए कैसी से बोलता है कि अगर आपने मेरा टेडी बियर ला के मुझे नहीं दिया तो मैं नहीं जाऊंगा। कैसी को ना चाहते हुए भी उस बस से उतर कर टेडी बियर लाने के जाना पड़ता है लेकिन उसके जाने के ठीक देर बाद वो बस वहाँ से चली जाती है और कैसी वहीं पर रह जाती है। इधर हम देखते हैं कि सभी लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर कर्नल वॉच भी मौजूद होता है जो कि उनसे बोलता है कि हमें लग रहा है अब चौथा हमला होने वाला है। वो अपनी शिप इस धरती पर उतार चुके हैं और उनकी खास बात यह है कि वो हमारे शरीर और दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और हो सकता है कि अभी यहाँ पे वो हमारे बीच में मौजूद हो। ये सब सुनकर वहाँ पर लोग घबराने लगते हैं, वहाँ से बाहर निकलने के लिए हंगामा शुरू कर देते हैं। ये सबको केसी भी देख रही होती है जिसे कि उसके डैड इशारे से छुप जाने के लिए बोलते हैं लेकिन तभी एक आदमी उन जवानों पर फायरिंग शुरू कर देता है जिसे देखकर वो भी फायरिंग शुरू करने लगते हैं और वहाँ के सारे मौजूद लोग की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर केसी डरते हुए आती है जहाँ पे अपने डैड को ढूंढने लगती है लेकिन उसके डैड की मौत हो चुकी थी। वो देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर वो एक गन
उठाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं बेन को जिसका चेकअप हो रहा था, तभी वहाँ पर एक लेडी आती है, उसे पूछताछ करती है और उसे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर बेन बोलता है कि मेरा नाम बेन पेरिस है लेकिन सभी लोग मुझे जॉम्बी कहकर बुलाते हैं। और वो उसे कुछ पूछताछ करने के बाद उसके अंदर एक मशीन द्वारा चिप डाल देती है, उसे बोलती है कि अब तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा उनसे लड़ने के लिए हमारी मदद करे, तुम अब एक सैनिक हो इसलिए हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। उसके बाद वो हर एक बच्चे के अंदर वही चिप डालने लगते हैं। आगे हम केसी को देखते हैं जिससे कुछ लाश दिखाई देती है जिनकी हाल ही में फायरिंग में मौत हुई थी। उन्हें देखकर केसी समझ जाती है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। तभी एक ड्रोन आता है और केसी के ऊपर फायरिंग करने लगता है। फायरिंग के दौरान एक गोली केसी पर लग जाती है जिससे कि वो वहीं पर जख्मी हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद वो जल्दी से कार के नीचे छुप जाती है। उसके पैरों से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था जिसे देखकर वो काफी घबराने लगती है। इसके बाद वो वहां से किसी तरह से निकल जाती है और कुछ दूर चलने के बाद वहां पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इधर हम केसी को देखते हैं जिसे कि होश आ चुका था। वो डरते हुए इधर उधर देखती है और सोचती है कि मैं अभी कहां पर हूं। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो फिर से सो जाती है। अगले दिन जब केसी उठती है तो अपने बैग में अपनी गन को ढूंढने लगती है लेकिन उसको उस गन नहीं मिलती। तभी वो उसे फिर से उसी आदमी के आने की आवाज सुनाई देती है जिसके कारण वो फिर से सोने का नाटक करने लगती है। लेकिन उस आदमी को शक हो जाता है और वो उसे बोलता है कि मेरा नाम एवन है और मैं जानता हूँ कि तुम जग रही हो, तुम हाईवे पर खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे उठा के ले आया। आगे हम देखते हैं कि केसी उसे पूछती है कि मैं यहाँ पर कब से हूँ और यहाँ से मिलिट्री बेस कितनी दूर पर है। इस पर एवन बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर करीब एक हफ्ता हो चुका है और रही बात मिलिट्री बेस की तो वो लगभग 60 मील दूर है। फिर एवन उससे पूछता है कि तुम मिलिट्री बेस के बारे में क्यों पूछ रही हो। इस पर केसी बोलती है कि मेरा छोटा भाई सैम वहाँ पर है, वो आर्मी उसे लेकर गई है और किसी भी तरह मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उस घर में केसी घूम रही होती है जब उसे अपनी गन मिलती है जिसे कि एवन ने छुपा रखा था। केसी को एवन पर शक होना शुरू हो जाता है, वहाँ से अपना सामान पैक करके भाग जाती है। वो थोड़ी ही दूर भाग पाती है और एवन उसे पकड़ लेता है और एक ड्रोन को देखकर वो उसका मुंह को दबा देता है, वहीं पर छुप जाता है। इसके बाद वो उसे घर लेकर आता है जहाँ पर केसी उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने मेरी गन को क्यों छुपाई। तो एडन उसे बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे डर था कहीं तुम मुझे गोली ना मार दो, इसके लिए मैंने गन को छुपा दी थी। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सैम को लेने के लिए उस मिलिट्री बेस में जाएंगे। फिर अगले सीन में हम बेन और बाकी के बच्चों को देखते हैं जो कि कुछ ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी वहां पर एक लेडी आती है और बेन से बोलती है कि कर्नल वर्स तुम्हें बुला रहे हैं। बेन के पहुंचने के बाद कर्नल वर्स उसे बोलता है कि उन्होंने लगातार शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया है, जहां पे वो उसे हेलमेट दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसके द्वारा तुम्हें दोस्तों और दुश्मनों की पहचान हो जाएगी, अगर तुम्हें इसमें ग्रीन दिखाई दे तो समझ जाओ वो तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए कल रात हम 4 स्क्वाड को इस हेलमेट को टेस्ट करने के लिए वहां पर भेज रहे हैं जिसमें तुम्हारी स्क्वाड भी शामिल है और पूरी स्क्वाड को वापस लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर इसके बाद उन 4 स्क्वाड को प्लेन के जरिए रवाना कर दिया जाता है। सैम भी बेन के स्क्वाड में होता है लेकिन बेन उसे लेकर नहीं जाता। इसके बाद इन सभी लोगों को वहां पर छोड़ दिया जाता है। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं और उन पर ये फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उधर से वो लोग भी फायरिंग करते हैं जिसके कारण ये लोग भागकर बिल्डिंग में छुप जाते हैं। तभी रिंगन नाम की लड़की बोलती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, वो हम जैसे बच्चों की आर्मी से कैसे डर गए, कर्नल वर्स जरूर हम लोगों से कुछ छुपा रहा है। इसके बाद वो अपना चिप निकाल देती है जिसके कारण वो वहां पर मौजूद सभी लोगों को ग्रीन दिखाई देने लगती है। ये देखकर सभी लोग रिंगन को गन तान देते हैं और बोलते हैं कि तुम इंसान नहीं हो बल्कि तुम एक एलियन हो। इस पर रिंगर बोलती है कि तुम लोग सब गम नीचे करो, मैं एलियन नहीं हूँ, अगर मैं एलियन होती तो तुम सब लोगों को कब से मार चुकी होती। ये सब देखकर बेन अपना चिप निकाल देता है जिसके बाद वो बाकी लोगों को ग्रीन दिखाई देने लगता है। वो सभी लोग बेन को देखकर डर जाते हैं, उस पर गन तान देते हैं। इस पर बेन उन सभी को समझाता है और सभी को गन नीचे करने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं और रिंगर एलियन नहीं है और जो लोग हमारे पर फायरिंग कर रहे हैं वो लोग भी एलियन नहीं है बल्कि वो लोग इंसान है। कर्नल वर्स ने हम सभी को झूठ बोला है और ये हेलमेट और ट्रैकर ये सब कुछ फेक है और शायद वो कर्नल वॉच और उसकी सारी टीम इंसान नहीं बल्कि एलियन होगी। और फिर इसके बाद सभी लोग अपने चिप को निकाल देते हैं और फेंक देते हैं। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो कि सभी लोगों से बोलता है कि मुझे मिलिट्री बेस में वापस जाना होगा क्योंकि मैंने सैम को वहीं पर छोड़ दिया है। वो अपने ट्रैकर को फिर से वापस लगा लेता है और बोलता है कि मुझे ऐसी जगह गोली मारी है जिससे मैं जिंदा रहूं, उन लोगों को शक भी ना हो। इसके बाद हम केसी और एवन को देखते हैं जो कि गाड़ी में सो रहे थे। तभी एवन को कुछ लोगों के आने की आवाज़
सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखने लगता है। तभी वो लोग आते हैं और एवन से फाइट करने लगते हैं। एवन भी उन लोगों को बहुत मारता है और केसी को बोलता है कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन केसी वहीं पर खड़े खड़े एवन को देखती है क्योंकि वो समझ जाती है कि एवन कोई आम इंसान नहीं है। फिर देखते हैं कि केसी एवन पर गन तान देती है और उसे पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर एवन बोलता है कि मैं एक एलियन हूँ, पर मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता, बल्कि मैं तुमसे जब मिला मैं तुमसे प्यार कर बैठा और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी सैम को ढूंढने में मदद करूँ। इसके बाद केसी उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना अगर मेरे पीछे आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। फिर आगे हम देखते हैं केसी को, वो किसी तरह से उस मिलिट्री बेस के अंदर घुस जाती है। फिर वो अपना चेकअप करवाने लगती है, जहाँ पर एक लेडी उसे कुछ पूछताछ करती है। फिर इसके बाद वो उसके अंदर एक चिप डाल देती है। फिर वो दूसरा कुछ काम करती, उससे पहले ही केसी उसका गला दबाने लगती है और थोड़ी देर बाद उस लेडी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम बेन को देखते हैं, जिससे कि कर्नल वॉच कुछ पूछताछ कर रहा था। कर्नल वॉच उसे आगे पूछता है कि वहां पर क्या क्या हुआ। इस पर बेन बोलता है कि वहां पर बहुत ही बुरा हुआ, हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया, हमने छुपने की बहुत कोशिश की, मगर छुपने से पहले ही हमारे सारे साथी मारे गए। लेकिन कर्नल वॉच समझ जाता है कि बेन झूठ बोल रहा है। वो बोर से बोलता है कि चलो हम एक डील करते हैं, तुम सब सच बताओ, इसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और तभी बेन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग कौन हो, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम हमारी जान क्यों ले रहे हो। तभी वहाँ की लाइट ऑफ होने लगती है। इसे देखकर कर्नल वॉच समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द इस जगह को खाली करो और सभी बच्चों को प्लेन में कोई दूसरी जगह पे शिफ्ट करो। इधर केसी को देखते हैं जो कि भागते हुए जा रही थी। तभी उसे बेन मिलता है, उसे बोलती है कि मैं यहाँ अपने भाई सैम को ढूंढने आई हूँ। फिर बेन बोलता है कि ये लोग सैम और बाकी बच्चों को प्लेन से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं और हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है और हमें उसे पहले ढूंढना होगा। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में उन्हें एवन मिलता है, जिसे देखकर केसी उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर एवन बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आया हूँ, मैंने इसी जगह पर बॉम्ब लगाया है, अब ये जगह 10 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा। कुछ देर बाद उन्हें सैम दिखाई देता है जो सभी बच्चों के साथ लाइन में था। केसी किसी तरह से सैम को वहां से बाहर ले आती है और बेन के साथ वहां से भाग निकलती है। बाहर निकलते ही बम ब्लास्ट होने लगता है। तभी रिंगर गाड़ी लेकर आती है और सभी लोग वहां से निकल जाती है और इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।